नमस्कार। ट्रांजिशन मेटल्स के आखिरी भाग पार्ट 8 में आपका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या जिसका दूसरा नाम है बैंड थ्योरी। इसको दिया था कुंड और मॉलिकल नाम के साइंटिस्टों ने। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। तीन प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो कि नीचे आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स को दो डायग्राम की सहायता से बताया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों बाईं तरफ और दाईं तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नीचे जो ग्रीन वाला है वो तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर रेड वाला जो है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें नॉन बॉन्डिंग नहीं शो किया हुआ, क्योंकि जब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं तो ऐसी स्थिति में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर बताई हुई है। बाएं और दाएं तरफ जो ब्लैक लाइन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल को शो कर रही है, नीचे वाली ग्रीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाली नॉन बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रही है। राइट वाला डायग्राम नोड और एंटी नोड के रूप में आपको ये बता रहा है, जो डिटेल में आप LCAO में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के नाम से टॉपिक में आप पिछले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो नोड बनती है वो किसमें बनती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जिसको आप देख पा रहे हैं। इससे नीचे वाला जो डायग्राम है, नीचे वाला डायग्राम हमें शो कर रहा है, नीचे वाले डायग्राम में सबसे नीचे दोनों तरफ तो आपको बताया हमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बीच में बताया हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है, हालांकि रिकॉर्डिंग में कर्सर नहीं नजर आता, बीच में जो जिसमें कि चार इलेक्ट्रॉन या आपको दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े दिखाई दे रहे हैं वो होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ऊंचा है, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा है, और राइट हैंड साइड वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें पांच इलेक्ट्रॉन आपको भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में, तो वो उसकी एनर्जी कम है और वो नीचा है। तो ये इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस इसमें कितने आयनिक प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में बताता है, जो कि हम डिटेल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बताए हुए हैं। सबसे नीचे वाला जो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर जो सिग्मा स्टार से है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बीच में जो शो किया हुआ है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को यहाँ पर हम रखते हैं और ये इसीलिए कहलाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यदि हम चर्चा करें तो मेटल्स के अंदर टोटल हमारे पास में जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की के मध्य की एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जितना भी गैप है ये गैप धीरे धीरे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों आपस में एक दूसरे से गुथ जाएंगे। क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की यदि संख्या दें तो मेटल्स में 10^23 तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो सारे के सारे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो सारे मिलकर के एक दूसरे में मर्ज होकर के एक पट्टिका बनाते हैं, पट्टिका का सा निर्माण करते हैं, जो कि ये हाथ से बनाए हुए डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। हाथ से बनाए हुए डायग्राम में सबसे लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है वो आपको बता रहा है कि दोनों तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये जब नीचे की तरफ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये आपस में मिक्स होकर के जो बीच वाला डायग्राम है उसके जैसे आपस में मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होकर के एक पूरी पट्टिका यानी एक बैंड का सा निर्माण करता है। इसीलिए इसका नाम दूसरा नाम जो है
क्या है, बैंड थ्योरी। अब इस बैंड में होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इस बैंड में तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वैलेंस बैंड, ऑर्बिटल जोन और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड सबसे नीचे होता है, कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर होता है, ऑर्बिटल जोन इनके बीच में होता है। ऑर्बिटल जोन निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यानी जहां पर जाना वर्जित है, वर्जित क्षेत्र, जहां पर इलेक्ट्रॉन का रहना या जाना मना है। ये इसके तीन पार्ट होते हैं और इनके आधार पर हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को इसकी सहायता से हम समझा सकते हैं। कैसे, बैंड में उपयुक्त चित्रानुसार जो ऊपर जो डायग्राम हाथ से बनाया हुआ है, तीन भाग होते हैं जिनमें नीचे वैलेंस बैंड, मध्य में ऑर्बिटल जोन FJ, वह ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड जो कि रेड कलर से दिखाया हुआ है और कंडक्शन बैंड जो कि ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, इन दोनों के बीच में यदि एनर्जी डिफरेंस 50 किलो कैलोरी पर मोल तक होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से एक्साइटेशन हो जाता है, यानी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाता है और जो मेटल है वो मेटल कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। इसी को नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है, आप देखेंगे इसमें आप देखें कि नीचे वाला जो पार्ट है, जो वैलेंस बॉन्ड मैंने ग्रीन इंक से लिखा है और ग्रीन लाइनिंग की है मैंने, और ऊपर वाला जो है कंडक्शन बैंड उसको रेड इंक से लिखा है और रेड लाइन की है, तो आप देखेंगे कंडक्शन बैंड की रेड लाइन वैलेंस बैंड की ग्रीन लाइन में गुजर रही है। यानी ये वो स्थिति है कि ये अच्छा सुचालक है और इसमें ऑर्बिटल जोन है, यानी दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने में कतई कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि ये आपस में जुड़े हुए नहीं भी होते तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में गैप होता, लेकिन वो गैप कितना होना चाहिए था, 50 किलो कैलोरी पर मोल तक या उससे कम होता, तब भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल करके किसमें चला जाता, कंडक्शन बैंड में चला जाता। अब यहां पर शर्त क्या है, ग्रीन इंक देखिए आप, कि नीचे वाला वैलेंस बॉन्ड या तो भरा हुआ होगा या आधा भरा हुआ होगा, खाली कभी भी नहीं होगा। किसके लिए, गुड कंडक्टर के लिए। क्यों, क्योंकि यदि खाली हुआ तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ऊपर जाएगा, इसलिए या तो आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, जो भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। इसी प्रकार से ऊपर कंडक्शन बैंड की बात करें, ये या तो खाली होगा या आधा खाली होगा या पार्शियली अनफिल्ड होगा, पार्शियली फिल्ड होगा लेकिन पूरा भरा हुआ कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यदि ये पूरा भरा हुआ हुआ तो भले ही इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, लेकिन वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो कंडक्शन बैंड में तो जाएगा ही नहीं, इसलिए ऊपर वाला कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं होगा और नीचे वाला यानी वैलेंस बैंड कभी भी पूरा खाली नहीं होगा। कंडीशन है ये किसके लिए, गुड कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक स्लाइड शायद इसमें से मिस हो रही है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। दूसरा होता है इंसुलेटर, या उसको आप सामान्य बोलचाल में बताओ आप बोल देते हैं बेड कंडक्टर। वो एक्चुअली बेड कंडक्टर जो शब्द है, बेड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, बेड कंडक्टर में एक ये उस समय की बात है जिसमें सेमी कंडक्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो बेड कंडक्टर बोलते थे। बेड कंडक्टर हिंदी में बोलेंगे आप कुचालक, और नॉन कंडक्टर को बोलेंगे आप अचालक। तो कुचालक और अचालक में थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है। अंतर क्या है, कुचालक के लिए हम कह सकते हैं कि ये विद्युत या ताप का चालन नहीं करता, सामान्य परिस्थितियों में विद्युत का चालन नहीं करता। और अचालक यानी नॉन कंडक्टर के लिए हम क्या कर शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता। अंतर जी मिलता है, वहां कहते हैं नहीं करता, या कह रहे हैं नहीं कर सकता। तो नॉन कंडक्टर में नहीं कर सकता, बेड कंडक्टर में नहीं करता। तो नहीं करता तो दोनों में ही है, लेकिन जहां नहीं करता बेड कंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे एक संभावना छुपी हुई है। सामान्यतया तो नहीं करता, लेकिन यदि उसके अंदर जैसे जर्मनी में उसमें होल यदि उत्पन्न कर दिया जाए तो
तो ऐसी स्थिति में प्रयास करने पर, हीट करने पर, प्रयास करने पर वो चालन कर भी सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी उसमें छुपी रहती है। इसलिए अब उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, और इसके लिए नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर वर्ड यूज करते हैं जो कि अचालक के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 100 किलो कैलोरी या उससे ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाता, और यदि 50 से 100 किलो कैलोरी के बीच में यदि उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस रहता है तो ऐसी स्थिति में वो कहलाता है सेमी कंडक्टर। यानी वो आसानी से तो चालन नहीं करता, लेकिन उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो चालन कर सकता है, वो कहलाता है सेमीकंडक्टर। इसके एक स्लाइड इसमें सब इस होगी है, और इसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।